नमस्कार दोस्तों, आपको ये पता है क्या कि जो हम डीजल लोकोमोटिव देखते हैं वो असलियत में एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है। दोस्तों, अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आज आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, आपको मैं सब कुछ बताऊंगा कि एक डीजल लोकोमोटिव किस तरीके से एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, मतलब वो किस तरीके से इलेक्ट्रिक पर ही चलता है पर वो यूज करता है वो डीजल का। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके सपोर्ट की इस चैनल को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, अब आते हैं अपने मुद्दे पर कि डीजल लोकोमोटिव असलियत में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कैसे है। दोस्तों, असलियत में एक डीजल लोकोमोटिव इलेक्ट्रिसिटी तैयार करता है, उस इलेक्ट्रिसिटी से मोटर को चलाता है और फिर वो मोटर इंजन को चलाती है, मतलब एक ओवरऑल लोकोमोटिव को चलाती है। दोस्तों, हम लोग अब इस वीडियो में ये जानेंगे कि कैसे एक डीजल लोकोमोटिव इलेक्ट्रिसिटी तैयार करता है और कैसे फिर वो ट्रांसफर करता है व्हील तक वो पावर। दोस्तों, एक डीजल लोकोमोटिव में लगभग 12 से लेकर 18 सिलेंडर होते हैं जो कि डीजल से चलते हैं। सारे के सारे सिलेंडर वी शेप में होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि सारा सिलेंडर एक साथ वर्क कर रहा है, मतलब एक साथ सारे के सारे 12 से लेकर जो भी 18 सिलेंडर के बीच में है वो सारे के सारे घूम रहे हैं, वो एक एक करके घूमते हैं, मतलब एक घुमा, दूसरा नीचे है, तीसरा घुमा, इस तरीके से दोस्तों वो रोटेट होते हैं। और ये दोस्तों रोटेट होकर के लगभग 1000 RPM तक प्रोड्यूस कर लेते हैं, और वो 1000 RPM दोस्तों अल्टरनेटर के पास जाता है, जिससे कि दोस्तों हमें 720 वोल्ट के आसपास और लगभग 4500 एम्पियर के आसपास मिल जाता है। दोस्तों, इस इलेक्ट्रिसिटी को हम ले जाते हैं ट्रांसफार्मर के पास ताकि उसको थोड़ा स्टेबलाइज कर दें, और उस ट्रांसफार्मर से फिर हमको जरूरत पड़ता है डीसी करंट में बदलने का, तो उससे हम रेक्टिफायर से गुजारते हैं। दोस्तों, रेक्टिफायर से गुजारते ही वो जो एसी करंट है वो डीसी में बदल जाता है, और फिर दोस्तों वो डीसी करंट हम लोग इन्वर्टर के थ्रू 3-phase एसी में चेंज करते हैं, और फिर वो मोटर तक हम लोग सप्लाई करते हैं, और फिर वो दोस्तों मोटर पावर जनरेट देता है व्हील को। दोस्तों, एक लोकोमोटिव में आमतौर पर 6 मोटर लगे होते हैं जो कि हर एक एक्सल में होते हैं, एक एक्सल में लगभग 2-2 व्हील होते हैं, मतलब आप ये मान सकते हैं कि 12 व्हील को चलाने के लिए 6 मोटर लगे होते हैं, और उसका पावर हम डीजल इंजन से लेते हैं। तो दोस्तों, एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके घर की जब लाइट चली जाती है तो आप अपने घर के बाहर जो जनरेटर स्टार्ट करते हैं ये खुद से अपना पावर जनरेट करता है, आपके घर को सप्लाई करता है, और वो घर फिर आपका वो पावर कंज्यूम करता है। ठीक उसी तरह दोस्तों डीजल लोकोमोटिव भी काम करता है, हम डीजल देते हैं, वो पावर जनरेट करता है, और फिर वो पावर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर हम लोग व्हील पर फिर से मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा डीजल लोकोमोटिव भी एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ही है। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो में समझ आया होगा कि किस तरीके से एक डीजल लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की तरह काम करता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।